पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर, जो है रूपम भट्टाचार्य, आदर्श सक्सेना और आदर्श गौतम। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अगर आपको भी ऐसे ही शाउट आउट चाहिए तो आपको पॉकी क्विज का आंसर देना पड़ेगा, और पॉकी क्विज वीडियो के बीच में कहीं भी आ सकता है, तो डोंट स्किप द वीडियो। बेटे 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 मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सो हेदे बोसिंगर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं पोकेमॉन अनबाउंड। तो पोकेमॉन अनबाउंड की जर्नी में पिछली बार क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं यार इस गेम को खेले हुए, और हाँ बहुत दिनों बाद मैं इस गेम को खेल रहा हूँ और आज मुझे बड़ा ही मज़ा आने वाला है। यस, तो आपका रेडर वापस आ चुका है। ओके, सो आज के इस एपिसोड में हम हराने वाले हैं जिम लीडर को। यस, और ये वाली जगह आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर आइस टाइप जिम लीडर होने वाले हैं, पर वो असल में प्लैंक टाइप जिम लीडर है। ओके, सो उसको हराने का हमारा स्नोवर ही काफ़ी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा स्नोवर उसको नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हमारा स्नोवर सिर्फ लेवल 20 का है यार। ओके, सो इसने हमें दे दिया है एक फ्रेश वाटर, जिसकी मदद से हम अपने पोकेमॉन को हील कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। ओके, थैंक यू चश्मे वाले दादा। ओके, तो चलो यार, क्या बता रहे हो, इसकी वजह से मुझे और भी बड़ा बना रहा पड़ रहा है इस वीडियो को। ओके, सो यह देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाला पजल होने वाला है, जैसे कि जिम में था, जो कि लास्ट जिम थी हमारी, वो तो बहुत ही ओपी वाला पजल था। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे फैंस और गड्ढे हैं जहाँ पर हमें जाना है शायद से, है ना। ओके, सो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ओके, सो ये रहा हमारा फर्स्ट ट्रेनर, तो चलो इसको हरा देते हैं। ओके, लेट्स सी कि इसके पास कुछ पॉकीमॉन है। तो इसके पास थे ट्रम्बिक। ओके, एक ट्रम्बिक है, इसको हरा देते हैं, लेट्स गो। ओके, चलो यार पॉकीमॉन बदल लेता हूँ, लेट्स गो कापाइट। ओके, सो इसको हम हराएंगे किसकी मदद से। ओके, सो मेरे पास एक रॉक टाइप मूव होना चाहिए, नहीं है यार। ओके, लेट्स यूज डुअल जॉब एंड यस, हमने हरा दिया है ट्रम्बिक को। लेट्स सी कि नेक्स्ट पॉकीमॉन कौन सा है इसका। ओके, नेक्स्ट पोकेमॉन दिखाओ यार अपना जल्द से। ओके, सो एक ही पोकेमॉन था इसके पास, लेट्स गो। तो चलो मैं अपने गाबाइट को ही सामने रख देता हूँ, क्योंकि राइलो इस जिम में किसी काम का नहीं है। ओके, और स्नोवर को मैं सेकंड पोजीशन पर रख देता हूँ, ताकि उसको एक्सपीरियंस पॉइंट ज़्यादा मिले, है ना। ओके, तो ये वाले जिम लीडर तो मुझे बहुत ही तगड़ी लग रही है, क्योंकि ये फ्लाइंग टाइप है और हमारे पास तो कुछ खास रॉक टाइप पोकेमॉन है ही नहीं, और एक आइस टाइप पोकेमॉन है जो कि ग्रास टाइप पोकेमॉन भी है, मतलब कि हम डबल डिसएडवांटेज में हैं। ओके, सो चलो इसको भी हरा देते हैं, लेट्स सी। ओ, इसके पास एक पोकेमॉन है, मतलब कि पहला पोकेमॉन है इसका डोडुओ, तो चलो इसको हराते हैं हम डुअल चॉप की मदद से। पहले हम करेंगे बाइट, और बाइट से ही हार चुका है। ओके, सो लेट्स यूज, अब क्या यूज़ करें। ओके, अब मैं यूज़ करूँगा बाइट फिर से एक बार। ओके, हाफ एच भी नहीं गई, सो लेट्स यूज डुअल चॉप वन। ओके, सो डुअल चॉप से भी नहीं हरा, सो लेट्स यूज, सो मैंने क्या यूज़ किया, हाँ शायद ओके डुअल चॉप ही किया था। ओके, सो एक बार और डुअल चॉप एंड यस, हमने हरा दिया है ओरियो को। ओरियो को, ओरियो कोरियो, मैं ओरियो क्यों बोल रहा हूँ, ओरी कोरियो। ओके, सो लास्ट पोकेमॉन है इसका मर्क्रो, तो लेट्स डिफीट दिस बैड बॉय विथ अवर डुअल चॉप वंस अगेन। तो उससे पहले मैं फ्रेश वाटर यूज़ कर लेता हूँ, अगर मर्क्रो फास्ट हुआ ना हमारे गाबाइट से तो हम हार सकते थे, और हार चुके हैं यार, कोई बात नहीं, लेट्स गो स्नोवर। और इस पर हम यूज़ करेंगे आइसी विंड, और क्या ही कर सकते हैं। ओ नो, हमारा स्नोवर हार चुका है, मैंने बोला था यार स्टार्टिंग में ही कि हमारा स्नोवर ज़रूर से हार जाएगा। ओके, सो लास्ट पोकेमॉन हमारा एम्बर था, तो यहाँ पर मैं अपने पोकेमॉन को हील कर लूँगा पहले, और उसके बाद मैं वापस आपसे मिलता हूँ। ओके, थोड़ा सामने जाता हूँ और हील करके वापस आता हूँ। ओके, सो हमने इस ट्रेनर को भी हरा दिया है। सो अब हमें चैलेंज करना है जिम लीडर को, और यस उसके बाद हम जिम बैज भी जीत जाएंगे, और ये हमारा थर्ड बैज होगा ऑफ कोर्स। ओके, तो हमारा गाबाइट भी हील हो चुका है फिर से एक बार, तो अब हम सामने जा सकते हैं, लेट्स गो। एंड ओ यार, मुझे लगा था कि हम पहुंच चुके थे। ओके, लेट्स सी। ओके, लास्ट पड़ाव बचा है, उसके बाद हम पहुंच सकते हैं। नहीं, क्या बोल रहा हूँ यार, बीच में ही अटक जाता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, एक लास्ट ट्रेनर बचा है, माई बर्ड्स। ओके, तो चलो इसको हरा देते हैं, इसके पास भी दो पोकेमॉन है। पहला पोकेमॉन है स्वेलो,
वाह, बड़ा ही ओपी पोकेमोन था तुम्हारे पास, पर वो अब नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट पोकेमोन है स्वाब्लू, तो चलो इसको हरा देते हैं रॉक टूम की मदद से। यस, जब मैं हील करने गया था अपने पोकेमोन को, तब मैंने देखा कि मेरे टीएम केस में रॉक टूम है, तो यस मैंने उसको सिखा दिया अपने पोकेमोन को। ओके, लेट्स सी कि जिम लीडर आती है या नहीं, इसके बाद आती या आता पता नहीं कौन है। लेट्स सी यार। ओके यस, ओ यार कितनी दूर है अब जिम लीडर, जल्द से जल्द आ जाओ यार जिम लीडर। ओ यार, मुझे लगा था कि हम जिम लीडर के पास पहुंच चुके थे। ओके सो ये लास्ट बैटल होने वाली है। ओके सो लेट्स गो गाबाइट, एंड यस हमने हरा दिया है स्टारलिक। ओ नेक्स्ट पोकेमॉन है स्पीयरो। ओके तो चलो इसको भी हरा देते हैं, एंड यस पियरो भी हार चुका है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। नेक्स्ट पोकेमॉन है पिकीपिक, तो चलो इसको भी हरा देते हैं, एंड यस हमने तीनों के तीनों पोकेमॉन को हरा दिया है, एंड हमारा गाबाइट पहुंच चुका है लेवल 40 पर। ओके सो ये हमारा लास्ट फैन है, एंड हम पहुंच चुके हैं जिम लीडर के पास, तो चलो इसको हरा देते हैं, लेट्स गो। हे देयर क्यूटी, क्या तुम इतनी ऊंचाई पर पहले कभी आए थे? हाँ, जब हम इतनी ऊंचाई पर होते हैं तब बैटल बहुत ही अमेजिंग होते हैं। And do you hear that? Sounds like the winds are blowing in my direction. I don't want to bore you with chit chat, so let's begin the battle. Yes, I am ready, Elise. तो चलो इसको हराते हैं यार। Okay, so इसको ही हराने के लिए शायद से वो सीनो की जिम लीडर आई थी। Okay, so चलो इसको हरा देते हैं। So इसके पास तीन पोकेमॉन हैं। अरे यार नहीं यार, मैं भूल गया था। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में मैंने गलती से डिफ़िकल्टी लेवल कैजुअल कर दिया था, और इसके बाद से वो डिफ़िकल्टी लेवल मेरे से चेंज ही नहीं हो रहे हैं, मतलब कि आगे पीछे जा ही नहीं रहा है, वहीं पर अटका है। तो आप मुझे इसका सोल्यूशन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यस, जल्द से जल्द बता देना यार। ओके सो नेक्स्ट पोकेमॉन है ग्लाइस्कोर, तो चलो इसको हराते हैं अपनी, एंड यस रॉक टूम की मदद से ये हार जाएगा। ओ मुझे लगा था कि ये हार जाएगा, पर नहीं हारा, क्योंकि वो अकेला, मतलब कि वो ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जो है। ओके सो लेट्स यूज डुअल चॉप, एंड थोड़ी सी एचपी बची है, ये बहुत ही इजी बैटल होने वाली है यार। देखो यार 28 लेवल का ग्लाइस्कोर जो कि मेन पोकेमॉन है जिम लीडर का, और हमारे पास गाबाइट है जो कि लेवल 40 का है यार, कितना अनफेयर बैटल है ये। ओके सो हमारा राइलूर 35 पर पहुंच चुका है, पता नहीं कब इवॉल्व होगा ये। सो हमारा फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन एक ही है, जो कि है हमारा प्यारा एम्बोर, एंड यस वो एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, एंड हमारा राइलो भी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। यस मेरे पास दो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, अगर ऐश दो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाहा, अगर आप सोच रहे हो कि ऐश के पास दो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन कैसे, तो पोकेमॉन जर्नीज में दो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है ना यार उसके पास, राइलू और फारफेच। ओके सो ये माइनर है जो कि रॉक और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। ओके जब इसका हार्ड शील हट जाएगा ना, अगर तब हम अटैक करेंगे ना, फिर हम आसानी से जीत सकते हैं। ओके सो जल्द से जल्द हट जाओ यार शील। ओके हट चुका है, अब हम हरा सकते हैं यार इसको आराम से। सो लेट्स गो, अब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, लेट्स यूज रॉक टूम, एंड यस हम हरा सकते हैं इसको। ओ 5 एचपी पर बचा है हमारा राइलू, एंड यस हमने हरा दिया है मीनियर को। ओके सो हमने इस जिम लीडर को हरा दिया है बड़े ही आसानी से, एंड हमने जिम लीडर अलीस को हरा दिया है, नाइस यार। तो चलो देखते हैं कि ये क्या बोलती है। अब जबकि तुम मुझसे जीत चुके हो ब्लिज़र्ड सिटी जिम लीडर से, तो एज अ प्रूफ ये लो विंग्स बैच। वाओ थैंक यू फॉर गिविंग अस द विंग्स बैच यार, विंग की तरह दिखता है ये तो। और इस बैच की मदद से तुम रॉक स्मैश का इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम्हारे लेवल 50 के पोकेमॉन तुम्हारी बात मानेंगे। और ये लो टीएम एरियलेस। थैंक यू फॉर गिविंग द एरियलेस टू। और ये है एरियलेस। एक बात बता दूं आपको, अब मैं इस एरियलेस को सिखाने वाला हूँ अपने राइलो को। यस क्या ये नहीं हो सकता यार, राइलो क्यों ऐसा क्यों करते हो तुम। ओके राइलू यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइलू एरियलेस भी नहीं सीख सकता यार, कुछ भी अगर मैं सिखाने जाऊंगा ना यार तो राइलू को कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ रॉक टूम आया था विच वॉज नाइस। ओके सो ये रहा ये, तो हम इससे अब जेम मांग सकते हैं, ये है फ्लाइंग जेम, इसकी मदद से हमारे फ्लाइंग टाइप मूव्स बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे, और इसको हम दे सकते हैं एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को। यस और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से याद आया,
रोशी, आई फॉरगॉट टू शो यू समथिंग, प्लीज कम विथ मी टू केबीटी एक्सप्रेस वे। ये तुम सामने जो केबीटी एक्सप्रेस वे देख रहे हो, ये कुछ आइस से ढका हुआ है और इसको हम तोड़ सकते हैं अपने रॉक स्मैश की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ग्लाइस्कोर, यूज रॉक स्मैश। ग्लाइस्कोर, वापस आ जाओ। तुम समझ गए ना? ओके, तुम रॉक स्मैश का इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हो, समझ गए ना? सिर्फ पत्थर तोड़ने के लिए रॉक स्मैश नहीं है, सिर्फ तुमको ए बटन दबाना पड़ेगा और किसी भी पोकेमोन को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं चलती हूँ वापस जिम में। सो यार, केबीटी एक्सप्रेस वे में जाने से पहले मुझे वो एचएम ढूंढना पड़ेगा और वो एचएम मेरे साइड वाले घर में है। सो लेट्स गो इनसाइड, मतलब कि उसी घर में जाते हैं, पर उससे पहले मैं अपने पोकेमोन को हील कर लेता हूँ। लेट्स गो। तो पोकेमोन सेंटर कहाँ पर है यार? पोकेमोन सेंटर तो यहाँ पर नहीं है। ओके यार, तो पोकेमोन सेंटर तो मिलने से रहा, वहाँ पर एक पोकेबॉल था, उसको ले लेता हूँ पहले। ओके, सो ये गेम मैं रात में खेल रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने अभी ऑब्जर्व किया, मतलब कि मेरे मोबाइल का टाइम बिगड़ चुका था। तो ये है वो आदमी जिसके पास है रॉक स्मैश एचएम। यस, अब हम सारे के सारे पत्थर को आसानी से तोड़ सकते हैं मियाँ। तो चलो यार, जल्दी से चलते हैं केबीटी एक्सप्रेस वे में, और मुझे पता नहीं कहाँ पर जाना है अब। लेट्स गो। अब जहाँ पर राह ले जाएगी मैं वहीं पर जाऊँगा। ओके, सो इस दादी माँ को कुछ बनाना है अपने ग्रैंडसन के लिए, शायद से वो माउंटेन हाइकर ही उसका ग्रैंडसन होगा। तो हमें इसके लिए कुछ बेरीज लानी पड़ेगी, वन पेचा, क्वालट और कुछ फिग बेरी शायद से। तो वो बेरीज तो मुझे मिलते रहेंगी, तो बाद में इसके पास आके हम उससे मांग लेंगे। तो चलो यार, चलते हैं केबीटी एक्सप्रेस वे में। ओके, सो अब जाना कहाँ पर है यार? मुझे मालूम ही नहीं। मैं गेम खेल रहा हूँ और मैं किस सिटी में था वो भी मुझे मालूम नहीं, और किस सिटी में मुझे जाना है वो भी मुझे मालूम नहीं। तो मैं अभी आता हूँ। 3, 2, 1, इसको तोड़ देते हैं। ओके, सो मैं वापस आ चुका हूँ गाइस। थैंक यू यार शाइनी ग्रेनिंजा, अगर तुम नहीं होते ना तो स्पाइसी मीट बॉय, तो शायद से ये गेम और भी हार्ड हो जाता मेरे लिए और मैं यहाँ पर घूम जाता यार। तो अब हमें नीचे जाना है। यस, नीचे जाना है। लेट्स गो। पहले हमें जाना है शायद से क्रेटर टाउन में। लेट्स गो। थैंक यू शाइनी ग्रेनिंजा, तुम्हारा एहसान रहा मुझ पर, क्योंकि मैंने अभी अभी शाइनी ग्रेनिंजा का एक वॉक थ्रू देख लिया है ताकि मुझे रास्ता मालूम पड़े यार, और क्या। ओके, सो क्रेटर टाउन नीचे था, तो लेट्स गो। क्रेटर टाउन में आ रहा हूँ, क्रेटर टाउन, और हम पहुंच चुके हैं क्रेटर टाउन में। तो अब हमें यहाँ से जाना है नीचे यार, और रात में गेम कितना औसम दिखता है यार। देखो यार, सभी खंभों की लाइट शुरू है, घर में से भी लाइट निकल रही है। ओके, सो हमें इस तरफ से जाना है अब। ओके, सो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पर भी हमें एक और बार रॉक स्मैश करना पड़ेगा। ओ नो यार, एक जियो डूड आ चुका है हमारे सामने। लेट्स डिफीट दिस बैड बॉय, एंड यस, थोड़ी सी एचपी बची है, एक और बार यूज़ करते हैं इस पर क्विक अटैक, एंड यस, हमने हरा दिया है जियो डूड को। नाइस, अब हम जा सकते हैं नेक्स्ट सिटी में, और उस सिटी का नाम क्या है मुझे भी नहीं पता। लेट्स सी, आने वाला है यार, ऊपर से नाम आएगा, चिंता क्यों करते हो। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं। ओ यार, सिटी का नाम क्या था? स्टेराप्टर, एरियल इसका इस्तेमाल करो। रैप्टर, टेल मी हाउ टू गेट पास द बैरियर ऑन रोड 9। आई डोंट हैव टाइम टू डील विद यू शैडोज। साइलेंस, If you think a surprise attack on me will get me to take down the barrier, you are dead wrong. Alexam, usse chutkara dilao, Alexam. Oh, main apni body par control nahi kar pa raha hu. Bahut acche Alexam. Khatam. Bye bye, Tata, goodbye, gaya. Now that's been taken care of. I did get better get back to Route 9. Jax to mar gaya yaar pani mein. Okay, let's go. Miracle. Oh, wapas aa chuka hai ye to. I hate that shadow admin. Agar tum nahi hote na Raptor, to main pani mein doob jata yaar. Thank you yaar, tumhari wajah se main bach chuka hoon. There has to be some way on to Route 9. Rushi, I hope you didn't see that just now. Well, I was just caught off guard. Yeah,
Anyway, I need to ask you for a favor. I know my grandfather asked you to go to Thundercap Mountain, but do you think you'd be able to lend me a hand on Route 9? The shadows put up some sort of psychic barrier around the route. Okay, so hum iski madad kar sakte hain. Thanks, Rishi. I really appreciate it. Meri madad karne ke liye shukriya. Main tumse baad mein milta hoon. Bye bye. ओके सो हमारा नया ऑब्जेक्टिव अपडेट हो चुका है, लेट्स गो सर रैप्टर। ओह मुझे लगा था कि जैक्स मर चुका है, मतलब कि वो पानी में गिर गया था ना, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, तो चलो यार चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में। और यहाँ पर मैं अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। एंड यस हमारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं, थैंक यू नेक्स्ट जॉय। थैंक यू मुझे नहीं, अनिकेत को कहना। ओके 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 थैंक यू ओके ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय। मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपना गेम। और हाँ वीडियो को एंड करते हुए पोकी क्विज का आंसर दे देना यार, पोकी क्विज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ बिल्कुल अभी आ रहा है, बाय बाय। मैं हूँ सिकंदर, अंदर है भरोसा, सदा मुझको राह दिखाता, जो मेरे दिल जान में है मुझे लक्ष्य तक पहुंचाता है। मजा आएगा खेलो बेहतरीन दांव, शुरुआत से पहले फिसल के गिर जाओ।